दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री के निवेशकों के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम था, क्योंकि आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी जिसमें क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। तो आपको बता दें कि रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि 14 अक्टूबर 2024 का ये रिजल्ट है। तो चलिए रिजल्ट के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है हमें देखने को मिल रहा है और सभी की सभी फिगर जो है वो करोड़ रुपीज़ में हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वार्टर का जो इनकम है वो शो कर रहा है 1012.34 करोड़ का, जो कि प्रेजेंट यानी कि क्वार्टर टू के आंकड़ों में देख सकते हैं कि 898.78 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर पिछले साल की इसी क्वार्टर की बात करें तो 1382.24 करोड़ का इनकम कंपनी ने पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में जनरेट किया था, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1218.95 करोड़ का एक्सपेंस किया था, जो कि घटकर 1160.63 करोड़ का एक्सपेंस रह चुका है, क्योंकि अगर टोटल इनकम घटी है तो एक्सपेंस भी यहां पर थोड़े बहुत घटते हुए नज़र आए हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर नज़र डालें तो कंपनी का जो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, लॉस कंपनी ने बुक किया है। अगर हम देखें तो पिछले साल कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 174.83 करोड़ का जो लॉस है वो जनरेट किया था, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में बढ़कर 206.87 करोड़ का हुआ और अब सेकेंड क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 262.10 करोड़ का हो चुका है। तो लॉस जो है क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ता हुआ नज़र आया है और इनकम क्वार्टरली बेसिस पर घटती हुई नज़र आई है। अगर हम कंपनी के एसेट्स पर नज़र डालें तो कंपनी के एसेट्स में भी भारी गिरावट आई। अगर आप देख सकते हैं कि 30/9/2024 को कंपनी का जो कंसोलिडेटेड एसेट्स था वो है 6,878.94 करोड़ और 31/3/2024 को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसेट्स हमें नज़र आ रहे हैं 7,406.83 करोड़। और इसी साल के स्टैंड अलोन रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं वो भी घटकर 6,605.04 करोड़ के देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो इस पूरे रिजल्ट का निचोड़ निकालें तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ख़राब आए हैं। अगर आप लोगों ने निवेश किया है तो बने रहिए, क्योंकि गिरावट होगी, चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी बाय एंड परचेज करने का रिस्क आपका रहेगा। तो रिजल्ट बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।